पीएम मोदी के जन्मदिन पर उत्तर भारतीय मोर्चा का वृक्षारोपण, सेवा सप्ताह में हरियाली के जरिए दिया पर्यावरण सुरक्षा का संदेश। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज भाजपा के उत्तर भारतीय मोर्चा द्वारा सानपाड़ा में सघन वृक्षारोपण किया गया। मोर्चा के नवीन भाई जिलाध्यक्ष राजेश राय के नेतृत्व में आयोजित इस पर्यावरण सेवी उपक्रम में पूर्व सांसद संजीव नाइक, महामंत्री विजय घाटे, सतीश निकम समेत तमाम पदाधिकारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी की मंगल कामना के साथ पेड़ लगाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। पूर्व सांसद संजीव नाइक ने कहा कि नई मुंबई को हरा भरा और सुंदर बनाए रखने के लिए ऐसे वृक्षारोपण कार्यक्रम जरूरी हैं। उन्होंने इस पहल के लिए मोर्चा के जिलाध्यक्ष राजेश राय की सराहना भी की। वहीं खुद राजेश राय ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पौधे लगाकर उन्हें शुभकामना देने की एक कोशिश की है। उन्होंने पीएम के दीर्घायु होने की भी प्रार्थना की। मुझे बहुत ही बड़ी खुशी है कि आज हमारे सहयोगी राय साहब के माध्यम से यहाँ 70 पौधे यहाँ लगाए जा रहे हैं। हमारे आदरणीय निकम साहब है और उनके पूरी टीम हमारी जो है इसमें आप देख रहे होंगे कि युवा है, महिला है, सभी प्रकार के लोगों का योगदान इसमें रहा है। और एक अच्छा ये इलाका है जिसमें आप देखेंगे कि पौधे तो बहुत है, लेकिन कहते हैं कि पौधे लगाते रहो क्योंकि हर पौधे का अपना एक आयुर्मान होता है और यहाँ जो पौधे लगाए जाएंगे उसका निश्चित रूप से फ़ायदा यहाँ के लोगों को होगा। एक ये एक निमित्त है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन, लेकिन हम तो कहेंगे कि 365 दिन पौधे लगाते रहिए। जो अपने शहर का निसर्ग है, शहर का जो हमारा पोल्यूशन है, पर्यावरण है, उसको वो मदद करेगा। मुझे उम्मीद है आने वाले समय में पार्टी के द्वारा अच्छे अच्छे काम किए जाएंगे और कार्य के माध्यम से जिस तरह से अलग अलग सेवाभावी काम होते हैं वो निश्चित रूप से किए जाएंगे। मैं दोबारा उनकी टीम को धन्यवाद करता हूँ और उनको आगे आने वाले समय में इसी प्रकार से काम करने का शुभकामनाएं करता हूँ। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में पार्टी का ये निर्देश आया था कि पूरा सप्ताह 14 तारीख से 20 तारीख तक अनेक सेवाभाव किया जाए। कोई मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, कोई ब्लड डोनेशन कर रहा है, कोई प्लाज्मा दे रहा है। मैंने अपना डिसाइड किया कि हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा की तरफ से हम मोदी जी के इस जन्मदिन पर 70 पौधे लगाएंगे और पर्यावरण को अच्छा रहे एक इस शुद्ध संदेश जाना चाहिए, क्योंकि आज के तारीख में शुद्ध हवा, ऑक्सीजन, जैसे इस माहौल में भी जिसका ऑक्सीजन लेवल कम हो जा रहा है उसको बहुत तकलीफ़ हो रही है, शुद्ध हवा की बहुत परेशानी है। इसलिए हम लोग ने डिसाइड किया कि 70 पौधे यहाँ लगाएंगे। हालांकि इस पूरे एरिया में यहाँ से लेकर मतलब आप हाईवे तक देखेंगे हम लोग निरंतर हर साल पौधे लगाते रहते हैं। और हमारे सोसाइटी के कुछ लोग हैं, 4-5 लोग जो
पहले पानी की सुविधा नहीं थी, अभी नल से हम लोग मतलब कि पानी की सुविधा कराए। वो लोग बकेट लेकर स्कूटी के ऊपर बकेट लेकर भी पानी अपना दे देकर आज इस झाड़ को अपना बड़ा किए हैं, ये हरियाली दिख रही है। यही कहूँगा कि मोदी जी को ईश्वर स्वस्थ रखे, हम लोग को आने वाले भी इलेक्शन में उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखे। इस अवसर पर खासतौर पर उपस्थित भाजपा के जिला महामंत्री विजय घाटे और मेक इन महाराष्ट्र के सह प्रमुख राजेंद्र सरोज एवं युवा मोर्चा पदाधिकारी हरेश पांडे एवं महामंत्री सतीश निकम ने कहा कि पीएम के जन्मदिन पर तीन तरह के सेवा कार्यों का संकल्प लिया गया है, जिसमें भाजपा द्वारा दिव्यांगों को उपकरण देना, जरूरतमंदों को राशन और पर्यावरण सुरक्षा के लिए वृक्षारोपण का कार्य शामिल है। उन्होंने उत्तर भारतीय मोर्चा के कार्यक्रम को नवी मुंबई के लिए उपयोगी बताते हुए राजेश राय की भी प्रशंसा की। हमारे सबके चहेते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन 17 सितंबर को हुआ, उस निमित्त पूरे 14 सितंबर से लेकर 20 सितंबर तक सेवा सप्ताह के नाम से पूरे देश भर में इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यक्रम हर गली कूचे में हो रहे हैं। इसमें प्रामुख्य से इस बार तीन अंगों पर ध्यान दिया था, एक तो दिव्यांग व्यक्ति जो है उनकी मदद करना, तो उनको कुछ कृत्रिम अवयव देना, कुछ एपरेटस देना, इस प्रकार का कार्यक्रम पार्टी से आया था। दूसरा कार्यक्रम था वो कोरोना बाधित जो बंधु है, भगिनी है, उनको मदद करना, तो उसमें कुछ फल वाटप का कार्यक्रम था, गरीबों को फल वाटप करना, इस प्रकार का एक था। और तीसरा था पर्यावरण, जिसमें अधिक प्रमाण में वृक्षारोपण करना। तो 70 वर्ष पूरे हो रहे हैं मोदी जी को, तो 70 वृक्ष लगाने का कार्यक्रम हमारे उत्तर भारतीय मोर्चा के अध्यक्ष राजेश राय जी ने यहाँ रखा था। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम माननीय संजीव जी नाई की उपस्थिति में यहाँ संपन्न हुआ। और इस वृक्ष की बढ़ती आयु के साथ हमारे माननीय मोदी जी की भी आयु बढ़ती रहे, उनका आरोग्य यह सुचारू रूप से चले, वो और धष्टपुष्ट रहे, ताकि देश की जो उन्नति हो रही है उसमें उनका काफ़ी योगदान अब तक रहा है, आगे भी रहता रहे। और इस सारे निमित्त अपना भारत देश यह सुजलाम सुफलाम बना रहे, इस प्रकार की भूमिका लेकर हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने अपने जगह पर यह कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। समाज उपयोगी काम भावित या बाबतीमध्ये भर पक्षाने दिलेला आहे, त्याच्यामध्ये पर्यावरण विषयासंदर्भात काम करताना वृक्षारोपण हे काम करणं गरजेचं आहे। आता हा जर का बेल्ट तुम्ही बघितलात तर ह्या बेल्टमध्ये झाडं आहेत, परंतु एक नवीन कन्सेप्ट आलेला आहे, मियावाकी कन्सेप्ट त्याला म्हणतात, की ज्याच्यामध्ये झाडं ही अत्यंत जवळजवळ उभी केली जातात आणि त्याच्यामुळे एक वेगळं वातावरण आणि ऑक्सिजन जनरेशन चांगलं होऊ शकतं। तर तो कन्सेप्ट घेऊन ह्या इथे आता सध्या गार्डनची व्यवस्था झालेली आहे, त्याही पुढे जाऊन नुसतं वृक्षारोपण न करता त्या वृक्षाची पुढच्या 5 वर्षासाठी देखभाल करण्याची जबाबदारी राजेश राय जी यांनी घेतलेली आहे, त्यामुळे पुढच्या 5 वर्षात ह्याच रस्त्याचं चित्र चरित्र हे बदललेलं असेल एवढं मला वाटतं। समाजाने ह्याही बाबतीत कामं करावी आणि येणाऱ्या काळामध्ये सर्वांना एक नम्र विनंती आहे की करोना अजूनही गेलेला नाही, त्याच्यामुळे जे शासनाचे निर्देश आहेत, केंद्र सरकारचे निर्देश आहेत, त्याप्रमाणे आपले मास्क लावणं, कमीत कमी बाहेर जाणं आणि यथायोग्य काळजी घेणं, योग्य आहार घेणं, योग्य झोप घेणं हे सगळ्यांनी करावं, कारण करोनाला आपल्याला लढायचं आहे, करोनाला हद्दपार करायचं आहे। जो साप्ताहिक प्रोग्राम दिया गया है उसमें हम सब ने जो आज हमारी टीम राजेश राय जी की टीम माननीय संजीव नाईक साहब का जो आगमन हुआ और यहाँ पे जो वृक्षारोपण का जो आज सिलसिला चला हुआ बहुत ही अच्छा और पानी है, और हमें तो ऐसी प्रेरणा हमारे परम प्रधान जी से ही मिलती है कि हमें कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाना चाहिए और प्रकृति को बचाना चाहिए, और सौंदर्यीकरण का भी एक ये बहुत बड़ा जरिया है, वातावरण को भी बहुत अच्छा इससे फ़ायदा है। तो हम सबका यही प्रयत्न होना चाहिए कि समय समय पर आके इस तरह के कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहिए और जितना भी हो आगे बढ़ के हम सबको वृक्षारोपण पर्यावरण की तरफ ध्यान देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी वन इंडिया। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।